मैं जो कहता हूं टिका के कहता हूं, मैं जो कहता हूं टिका के कहता हूं। कौन कहता है कि रमजान ट्रांसमिशन, चलो टिका के कह देता हूं, रमजान नशरियात पे बड़ी आजकल बातें हो रही हैं कि रमजान सेल होगा, फला होगा। अच्छा, सेल होता है रमजान? ये हज और उमरे सेल नहीं होते? हाँ, ये हज और उमरे सेल नहीं होते? ये जो कुरान पढ़ाने की उजरत लेते हैं कारी, ये सेल नहीं होते? ये जो अजान देने की उजरत लेते हैं, ये सेल नहीं होते? तो रमजान ट्रांसमिशन सेल हो रही है, डोंट सेल रमजान। हम कहते हैं वी विल सेल रमजान, जो कर सकते हो करके दिखाओ। मखलूत इज्तिमा, मखलूत इज्तिमा, हज पे बंद कराओ ना मखलूत इज्तिमा, औरतों का हज अलग कराओ, मर्दों का अलग कराओ, जाओ तवाफ अलग कराओ, तवाफ अलग करा दो, नमाज भी अलग नहीं। अब पिछले दिनों यही जो शबे बरात की जो बड़ी रात थी, उसमें एक अपने आप को मजहबी स्कॉलर कहने वाले आमिल लियाकत साहब, ठीक है, अपने आप को अहले सुन्नत का ठेकेदार कहने वाले, अपने आप को चैंपियन कहने वाले, इन्होंने अपने रमजान ट्रांसमिशन को सही साबित करने के लिए और अपने रमजान के तमाम मामलात को दुरुस्त साबित करने के लिए, और जो माज अल्लाह रमजान की मुबारक रातों में और मुबारक अयाम मुबारक दिनों में बेपर्दा खवातीन को और मर्दों को एक साथ बिठाकर दुनिया के इनामात तकसीम करने वाले और खुदा की लानत के मुस्तहिक होने वाले ने अपने प्रोग्राम को, जो रमजान ट्रांसमिशन और जो दीगर प्रोग्राम वो करते हैं, इसको इन्होंने सही साबित करने के लिए कहा। कितनी गलत बात। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मर्द और खवातीन का मखलूत इस्तेमाल तुम करते हो, एक साथ तुम मर्द और खवातीन को मिलाते हो, अगर ये गलत है जाकर हज बंद करवाओ। हज का मामला कहां और तुम्हारा बढ़ाना बेपर्दा औरतों और मर्दों को बिठाना कहां? शर्म नहीं आती? ये खुले जुमले बोले हैं कि तवाफ बंद करवाओ, ये दीन के नाम पर इस तरीके से लोग कहते हैं आपका सुन्नी है। मैंने कहा कोई नहीं भाई, मैंने कहा तेरी बदमाशी, तेरा गुरूर और तेरा तकब्बुर और तेरी फिरौनियत इंशाल्लाह एक दिन खात्मे में मिलेगी। इस्लाम को ऐसे लल्लू पंजुओं की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे मजहबी स्कॉलर को हम जूते की नोक में रखते हैं। आमिर लियाकत कहता है कि मैं ये मखलूत इज्तिमा जो है मैंने जारी रखना है पाकिस्तान में रमजान में, ये मखलूत इज्तिमा मैंने ईजाद किया है, अगर मेरे इज्तिमा पर किसी को परेशानी है तो फिर वो पहले हज के अंदर मखलूत जो है वो निज़ाम बंद कराए। उस कमीने को ये पता नहीं है कि वो जो बात है कहाँ तू कमीने, कहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जो है वो हज फर्ज है और तेरी ये ट्रांसमिशन है और मुझे तो नाम भी नहीं आता, क्या बक बक करता रहता है, तो कुछ शर्म कर कुछ याद कर। तैनू अल्लाह रसूल का हज जड़ा वो अपनी गंदी है जड़ा तू निजाम चला रहा है, तू ये मुंह में उदे ते प्यास करना चाहना जरीला, तू अपनी शक्ल देख, तू अपना करतूत देख, जलील के बच्चे तू पढ़ उम्र मोमिनीन क्या फरमाती है, हुजूर का रमजान कैसे गुजरता था, तू अपनी औकात के अंदर रह और तू शरीयत के मामलात में हम जैसे भी हैं वारिस जरूर है शरीयत के। तो ये मत तू समझ की शरीयत लावारिस है। आमिर लियाकत का ये हाल है कि नौकरानी घर की मालिक बन बैठी। वो आया था आलिम ऑनलाइन लेके कि मैं उलमा को बिठा के उनसे सवाल पूछूंगा, दो साल सवाल पूछे खुद स्कॉलर बन के बैठ गया। कहता जी तुम लोग कहते हो रमजान को न बेचो, रमजान को न बेचो, मैं बेचूंगा रमजान को, जो करना है कर लो, कहा या नहीं कहा बोलो। इनको ये नहीं पता कि ये जबान की बड़ी पकड़ है। ये तो नहीं कि बंदा एक नात पढ़ दे तो उसे हम सर पे बिठा दें। नाते तो हिंदुओं ने भी लिखी हैं, नाते सिखों ने भी लिखी हैं, नाते अंग्रेजों ने भी लिखी हैं। जो मखलूत इज्तिमा पे ये बात करते हो, कहता है हज का मखलूत इज्तिमा बंद करो, कहते हो जहां औरतें आती हैं हज पे तुम औरतों को बंद करो। इलम तो दिखा, इलम का है चर्ब जबानी और लफाजी का नाम इलम तो नहीं है ना, इल्म की तो इनको हवा नहीं लगी कि इल्म चीज क्या है। आप खुद सोचे यार, गैरत का जनाजा निकल गया है लोगों का। मुझे बताओ कहां हज जैसी मुकद्दस इबादत और कहां तेरा तालियों और गानों वाला गेम शो। और इसने समझ लिया है कि मैंने मीडिया पे मैं आके बैठ गया हूं तो मैं अहले सुन्नत की तकदीर लिखूंगा, जो तू चाहेगा वो होगा। और ऐसे फिरौनी जुमले उलमा को जायज कहना,
اور یہ کہنا جو کرنا ہے کر لو، یہ سنیو تمہیں چیلنج ہے، جو کرنا ہے کر لو۔